शंकराचार्य कह रहे हैं, जननी सकलो धारणि शिवे। ही सारे संसार का उद्धार करने वाली मां जगदम्बा, करुणामयी, कृपामयी माता, आप तो पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करने वाले। और जब आप पूरी ब्रह्मांड का उद्धार करने वाले हो तो फिर मेरा उद्धार क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? इस बात को निश्चित मानकर मैं आपके यहां आया हूं। इमाम मैंने बता दिया, ना मंत्र ना यंत्र, कोई पूजा की विधि में नहीं जानता हूं, मेरे पास धन का भी बहुत अभाव है, मैं दरिद्र हूं और स्वभाव से भी आलसी हूं, मैं प्रमादी हूं, इसलिए मेरे से ठीक ठाक पूजा का संपादन भी नहीं हो सकता है। ये सबके सब दोष, ये सबके सब विकार, ये सबके सब कमियां मेरे अंदर विराजमान हैं। और मां, इन कमियों के होते हुए ही आपके चरणों की सेवा मेरे से हो नहीं सकती, और करूंगा भी तो उसमें कोई ना कोई त्रुटि तो रह जाएगी। उनका संपादन, वो क्रिया ठीक ठाक नहीं होगी, सही ढंग से नहीं होगी। बस मां, इसी बात को जानते हुए अगर कोई त्रुटि हो गई तो उसको क्षमा कर देना, क्योंकि पुत्र का होना, तो पुत्र अक्सर देखा गया, पुत्र अक्सर कपुत्र हो जाते हैं, ये तो संभव है, किंतु माता कभी भी कुमाता नहीं होती है, मां कभी भी कुमाता नहीं होती है। इस संसार में सुना नहीं गया मां कपुत्र हो जाए, ये तो सुना है, लेकिन क्वचिदपि कुमाता न भवति, मां कभी भी कुमाता नहीं होती है, मां बस इसी बात को लेकर मैं आपकी शरणागत हुआ हूं, आपके चरणों में आया हूं।
शंकराचार्य मां के सामने अपने अपराध स्वीकार कर रहे हैं। सूत्र का नाम ही दिया है दिव्य अपराध क्षमापन सूत्र। ही मां जगदम्बा ही पराम्बा, आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। मैं तो जन्म जन्मांतर का अपराधी हूं। आदि गुरु शंकराचार्य से हमें सीखना है। स्वीकार करने से अपराध कम होते हैं। हमारी दुविधा यही है कि हम अपराध तो करते हैं लेकिन उनको स्वीकार नहीं कर पाते। वृत्ति बनाओ आदिगुरु को देखते हुए। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कन्फेस करना। अपराधों को स्वीकार करने से पापों की वृत्ति जो है वो कम होती है, पाप कम हो जाते हैं। और मां पराम्बा के सामने स्वीकार करने के बाद बार 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 उनका स्मरण करो। हम लोग इतना कुछ स्मरण करते हैं, अपने पापों को भी रोज स्मरण किया करो कि मैंने ये भी गलत किया, ये भी गलत किया, ये भी गलत किया। ऐसा करते करते धीरे धीरे आपको उनसे गलाने होने लगेगी, आपकी पाप वृत्ति कम हो जाएगी और धीरे धीरे कम होते हुए ये समाप्त हो जाएगी। आपकी पाप घटेंगे, जैसे जैसे पाप घटता है उसी उसी तरह से पुण्य बढ़ता है, ऊपर को जाता है। पाप घटा और पुण्य बढ़ना प्रारंभ हो गया, और जब पुण्य बनता है तभी आपको भजन में मन लगता है। लोग कहते हैं पाप क्या है और पुण्य क्या है, हम कहते हैं कि भजन में मन नहीं लगना। वो जो संसारिक पाप करते हो आप, वो तो हैं। यहां लिखा है देवी अपराध। हम जो देवी का, उस भगवती का, उस पराम्बा का जो पल पल शक्ति बन के हमारे शरीर के अंदर संचारित हो रही है, उनकी सत्ता को स्वीकार ना करना, उनका भजन ना करना, उनका स्मरण ना करना, ये सबसे बड़ा पाप है। हमने उनका अपराध किया है, पाप कि उनके भजन में मन नहीं लगे। और पुण्य समझ लेना कि जब आपका मन भजन में लगने लगे, जब मन ये कहे बार बार के हाँ चल भजन कर, तो समझो आपका पुण्य बढ़ रहा है। पाप घटाओ, पुण्य अपने आप स्वतः ही बढ़ना चाहिए। स्वीकार करो, स्वीकारो मेरो परिणाम। अपने पाप, अपने अपराध मां भगवती को हाथ जोड़ के प्रणाम करके उनसे उनकी क्षमा याचना करो। बार बार पश्चाताप। मां असीम है, संसार की हर वस्तु सीमित है। यस्य अंतो नोपलभ्यते तस्मायुते अनंता। यस्य अंतो नोपलभ्यते तस्मायुते अनंता। इस लक्ष्यम नोपलभ्यते तस्मायुते अलक्ष्य। इस जननम नोपलभ्यते तस्मायुते अजाय।
एकै सर्वत्र वर्तते तस्मान् ज्योतिका। मेरे जैसा कोई शठ नहीं है। शठ कौन है? जो दूसरों को धोखा दे, जो दूसरों से छल करता है। आज गुरु शंकराचार्य कह रहे कि हे मां, मैं दावा करता हूं, मैं बहुत बड़ा शठ हूं, अधेर ज्ञान है ना। पुराणों में आपने बहुत कथाएं सुनी, हर कथा में आपने श्रवण किया, हर कथा में आपने सुना। मां भगवती पराम्बा ने अनेक दानवों को मारा है, शुंभ निशुंभ का वध किया, महिषासुर मारे, रक्त बीज मारे, तारकासुर को मारा है। महाराज अनेका अनेक कथाएं अब बताइए। यहां तो लिखा है, आज गुरु कहते हैं कि पुत्रो जाए तो माता कभी, फिर मारे असुरों को क्यों मारा? असुरों का वध करने का कारण क्या है? मां उनको क्यों मारती है? मां मारती नहीं, मां तो तारती है। पहले समझिए कि असुर कौन है। असुरों ने तो मां का भजन दूसरे लोगों से भी ज्यादा किया, अधिक किया, और इतनी लगन से किया महाराज कि जब भजन में बैठे तो उसकी सिवा किसी दूसरे का स्मरण ही नहीं। आप भजन बहुत करो लेकिन उस भजन के अंदर अगर द्वेष बुद्धि है, मन के दूसरे के प्रति द्वेष भावना है, तो समझ लो आपका वो भजन निरर्थक हो गया, बेकार हो। असुर द्वेष है, विकार है, शरीर में कहीं कोई फोड़ा हो गया, उसमें मवाद भर गया, सेप्टिक हो गया, डॉक्टर क्या करेगा? उसका उपचार नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। कोई अंग ऐसा हो गया जिसके कारण वो जहर पूरे के पूरे शरीर में फैल रहा है, वो शरीर के अंदर बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर क्या करता है? सर्जरी करके उस अंग को काट देता है, उस अंग को शरीर से अलग करता है कि कहीं ये पूरे के पूरे शरीर को ही खराब ना कर। असुर देव लोक में हुए और इस समाज में भी असुरों की कमी नहीं, वो दूसरों से द्वेष बुद्धि रखते हैं, दूसरों का उत्पीड़न करते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं। तो फिर मां भगवती उनको नहीं, उनके द्वेष को जो है वो मारते हैं, समाप्त करते हैं, क्योंकि ये समाज में रहेगा तो समाज को और विकृत करेगा, समाज और खराब हो जाएगा, इसलिए इसको मारना ही उचित है। और मारा नहीं, ये समझो कि उनकी उस राक्षस योनि से पार उतारा, उनका भी कल्याण। भगवान या भगवती उनके कल्याण के लिए जय और विजय को श्राप था, राक्षस योनि में पैदा हुई, वो राक्षस तो नहीं थे, मूल तो वो भगवान के पार्षद रहे, भगवान के साथ रहे,
और भगवान का पार्षद ऐसे नहीं बना जा सकता, कोई बहुत पुण्य आत्मा होगा तभी तो बन पाएगा ना। बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि में द्वेष आ गया, श्राप मिल गया, संतों ने श्राप दे दिया, राक्षस बने और भगवान को तीन उनके जन्मों में चार अवतार लेके उनका संहार करना पड़ा, उनका कल्याण करना पड़ा। उन असुरों ने मां का विरोध किया, मां का कल्याण कर रहे हैं। भगवान ने गीता में कहा है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब जब अधर्म होता है तब तब मुझे अवतार लेना पड़ता है। आज गुरु बता रहे हैं अनेक प्रकार से हम अपने शरीर का श्रृंगार करते, अनेक प्रकार के उबटन लगाते हैं, अनेक प्रकार के प्रसाधनों का प्रयोग करते हैं। ये शरीर का श्रृंगार है, लेकिन ये शरीर कब तक है? जब तक आपके भीतर ये शक्ति संचारित हो रही है, जब तक ये शक्ति इस शरीर में प्रवाहित हो रही है, शिव शक्ति आई भवते शिव प्रभावित। शिव भी तभी तक प्रभावी है जब तक उसके साथ शक्ति है। शिव से ई निकाल दो, शक्ति निकाल दो, तो बाकी क्या बचेगा? शव। शरीर तभी तक है जब तक इसके अंदर जीवन संचारित हो। इस शरीर का बहुत श्रृंगार किया आपने, इसको बहुत सजाया, अनेक प्रकार से, नाना प्रकार के वस्त्रों से, आभूषणों से, श्रृंगार से, लेकिन क्या कभी आपने विचार किया कि शरीर के अंदर जो जीवन है उस जीवन का श्रृंगार क्या है? उसके लिए कौन सा कॉस्मेटिक, कौन सा प्रसाधन और किस कंपनी से मिलेगा? लक्मे से मिलेगा, और अनेक कंपनियां हैं, लेकिन कहीं भी पूछ लो कि किसी कंपनी ने जीवन के श्रृंगार का कोई प्रसाधन बनाया है, कोई कॉस्मेटिक बनाया है? बड़ी बड़ी देशी और विदेशी कोई कंपनी आपको इसके लिए कोई भी उत्पाद दे नहीं सकती। फिर जीवन का श्रृंगार कैसे होगा? इसके लिए उत्पाद कहां मिलेगा? वो केवल सत्संग में। जब महापुरुषों का जीवन चरित्र हम पढ़ेंगे, उनके द्वारा रचित स्तोत्रों का पाठ करेंगे, इस जीवन का श्रृंगार है संयम, और असुरों के पास सब कुछ होते हुए भी एक ही वस्तु की कमी है कि संयम नहीं। उनकी भूख, उनका लोभ, उनके लालच इतने हैं। आप देखो, हर असुर ने ये चाहा कि मैं पूरे की पूरी सृष्टि का मालिक ही बन जाऊं। साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामी कुटुंब समा, साईं इतना दीजिए,
जामी कुटुब समाई, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। संयम लाओ जीवन में, अंग्रेजी के एक लेखक ने लिखा है, देयर इज इनफ इन दिस वर्ल्ड फॉर एवरी पर्सन्स नीड बट नथिंग फॉर इवन वन पर्सन्स ग्रीड। इस संसार में हर की आवश्यकता के लिए बहुत है, इतना है कि कोई कमी ही नहीं, लेकिन एक व्यक्ति का इतना लोभ है, जैसे हिरण्यकश्यप हुए, हिरण्याक्ष हुए, पूरी धरती का ही हरण करके ले गए। बताओ अकेला धरती पर क्या करेगा अगर सृष्टि नहीं हुई? इतना लालच है उसके लिए, पूरी की पूरी सृष्टि भी कम पड़ जाती है। जीवन का श्रृंगार संयम, जीवन में संयम लाओ। जितनी प्रीति आप संसार से करते हैं उसकी लेश मात्र भी भगवती को कर लो, फिर कोई कमी आने वाली नहीं। से संबंध बना लो, उससे नाता जोड़ लो, उसको अपना रिलेटिव बना लो, दुनिया को डार्लिंग डार्लिंग कहते फिरते हो। मेरी मां डार्लिंग एंड वेरी चार्मिंग वेरी ब्यूटीफुल, ना उससे कोई सुंदर है, ना उससे अधिक सुख देने वाली है, ना उससे अधिक शांति देने वाली है, ना उससे अधिक कोई वैभवशाली। आज गुरु कह रहे मेरे पास धन की कमी है, बताओ जो मां का हो गया वो तो स्वयं लक्ष्मी रूपा है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। फिर उसको धन की कमी कैसे रह सकती है? आज गुरु शंकराचार्य वो धन नहीं कह रहे हैं जिसको आप कहते हैं, उस धन की बात कर रहे हैं जो परम सुख आने वाला है। मां का वात्सल्य, मां का प्रेम, मां का सानिध्य, मां की निकटता। संसार के किसी भी सुख में, किसी भी संसाधन में वो सुख नहीं है जो मां की गोदी के अंदर है। एक बार मां के बन के तो देखो, देखो फिर क्या मिलेगा। दविण विर है अर्थ, तब आप धन से हीन नहीं रहोगे। धन तो आपके ऊपर यूं बरसेगा जैसे कनक धारा स्त्रोत्र से आदि गुरु ने सोने के आंवलों की वर्षा करवा ली। केवल सोच बद, एक सेठ का लड़का था, बुरी संगत में पड़ गया और महाराज साथियों के साथ एक वेश्या के पास जाने लगा। बहुत सुंदर थी वेश्या, और वेश्याएं तो सुंदर ही होते हैं, क्योंकि जो लोग ये कारोबार चलाते हैं वो सुंदर से सुंदर लड़कियों को ढूंढ ढूंढ के उनको
इस कार्य के अंदर, इस व्यवसाय के अंदर डालते हैं। एक तो उनकी वो स्वाभाविक सुंदरता जो मिली और प्रयोजन के लिए और हम करते हैं उसे दूसरे प्रयोजन, और दूसरा महाराज ऊपर से दिव्य श्रृंगार, तो उस वेश्या के मोह में वो ऐसा महाराज लीन हो गया, ऐसा फंस गया कि दिन रात उसके यहां, बाकी परिवार से संबंध कटता गया। जब माता पिता ने देखा तो कई लोगों से विचार गया, संतों के पास गया कि महाराज लड़का बुरी संगत में पड़ गया है, रोज वेश्या के पास जाता है, क्या किया जाए, कैसे उनको रास्ते पर लाए। संतों ने कहा कि उसका विवाह कर दो, सुंदर सी बहू ला दो, उससे मन हट जाएगा और उधर लग जाएगा। हमारा बहुत सुंदर लड़की ढूंढी गई, विवाह हो गया, बहू घर आ गई, माता पिता ने बहू ला दी कि अब घर में रहेगा। बहुत वर्षों के बाद वो पहली रात आई कि आज वो व्यक्ति विश्वा के यहां नहीं रहा, और सचमुच में पत्नी सुंदर, और विवाह के दिन तो श्रृंगार भी विलक्षण होता है। हम तो महाराज सुन के दंग रह जाते हैं कि आजकल कहते हैं 50-50 हजार रुपया, लाख लाख रुपया तो लोग केवल विवाह के एक दिन के मेकअप कराने का देते हैं। नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी। कहते ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, उसको तो प्रसादनों की आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। खीर महाराज उस दिन घर में ही रहा, और महाराज अभी पत्नी के साथ संबंध भी नहीं बना पाया, उस प्रथम रात्रि का मिलन भी नहीं हो पाया, एकदम सीने में ऐसी दर्द उठी, ऐसी पीड़ा उठी, हार्ट अटैक आ गया और उसी समय प्राण चले, शरीर छूट गया। जहां आनंद था वहां मातम छा। आजकल समय ऐसा है महाराज, देखो होनी तो हो के रहे और अनहोनी ना होए, होनी तो होके रहे और अन होने ना होए, जाको राखे साईया तो मार सके ना कोई, और जिसकी मृत्यु आ गई उसको कोई बचा नहीं सकता, मरना तो उसको था ही। आजकल लोग नहीं बहु आ जाए और उसी दिन उसके पति की मृत्यु हो जाए तो उसको तो दोष दे दे के और बुरा बुरा कह के कि कैसी कुलक्षणी बहु घर में आ गई, आते ही बेटे को खा गई। लेकिन परिवार संस्कारी था, संत महात्माओं पे जाने वाला था, उनके संग में उन्होंने कोई विचार नहीं, उनका जो हमारे भाग्य में था इसके अंदर तो विकार आ चुके थे, ये तो राक्षस बन ही चुका था। हमने प्रयास किया और स्वयं मां जगदम्बा जैसी बहू हम घर में लेके आए, लेकिन लगता है काल किसी को छोड़ता नहीं, का समय आ गया था, बहू को दोष क्यों देना। महाराज दूसरे दिन उसका क्रियाकर्म हो गया, और जो आजकल के समाज के नियम है, अब जो कुछ भी उसके नाम था वो सारे का सारा अब बहू को ही ट्रांसफर होना है, उसको ही देना है। हमारे यहां तो पत्नी को अर्धांगनी कहा जाता, लक्ष्मी कहा जाता है। अब 4-5 दिन गुजर गए और जिस वेश्या के यहां प्रतिदिन जाता था वहां नहीं पहुंचा, तो वेश्या वहां पहुंच गई उनके घर पर और पता लगा कि उसकी तो मृत्यु हो गई है।
वो वेश्या वहां अधिकार जताने लगी कि इतने सालों से मेरा उससे संबंध था, इतने सालों से मेरा उसके साथ संबंध जुड़ा है, तो ये प्रॉपर्टी, जो भी उसका बैंक बैलेंस, जो भी उसका धन है, वो मुझे मिलना चाहिए, मेरा होना चाहिए। अब बताइए, वो कितना भी चलाए उसको मिल सकता है? वो उसको पा सकती है? नहीं पा सकती। क्यों नहीं पा सकती? वो उसको ही मिलेगा जिसका उसके साथ संबंध जुड़ा है, दूसरे को नहीं मिलेगा। ऐसा ही हमारा संसारिक संबंध है। जब तक वो संबंध जुड़ा है, तब तक वो संपत्ति आपको मिलेगी, लेकिन वो अपार धन, वो अपार लक्ष्मी, वो अपार संपदा, वो तब तक आपको नहीं मिलेगी जब तक भगवती के साथ आपका संबंध नहीं हो जाए। ये संसार उस वेश्या की तरह है। और मेरी पराम्बा माँ जगदम्बा से जो आपका संबंध जुड़ेगा, उसके साथ जो नाता जुड़ेगा, वो उसी संबंध की तरह है जैसे पति पत्नी। ही माँ भगवती, मैं तो प्रमादी हूं, मैं तो आलसी हूं, अब आप ही मेरा उद्धार करो। यदि सकल उद्धार विधिर ज्ञानेन द्रविण विरहेण आलस अपने दुर्गुणों को हटाने का प्रयास मत करो। हम दुर्गुणों का निदान करने का, उनको हटाने का कितना भी प्रयास कर लें, हटा नहीं पाते। हमें इतनी शक्ति नहीं है, हम में इतना आत्म बल ही नहीं है कि हम उनको हटा। आदि गुरु बता रहे हैं, शक्ति का आश्रय लेकर दुर्गुण हटाने का प्रयास मत करो, सगुणों को लाने का प्रयास करो। हमारे भीतर सगुण आते जाएंगे तो दुर्गुण अपने आप ही जाते रहे, उन्हें निकालना नहीं पड़ेगा। जैसे ही सगुण आए, सद्गुणों का विकास करना शुरू करो। तोड़ने का नहीं, इसको मोड़ने का प्रयास करो। लोहा कितना सख्त है, लेकिन गर्म कर दिया तो सरलता से मुड़ गया, एकदम बेंड हो गया। अपने जीवन में भी आप यही प्रक्रिया करो। मां भगवती के स्मरण से, उनके चरण से, उनकी कृपा से, उसके प्यार की हीट दो, इसको गर्मी दो, सद्गुण लाते जाओ। जब तप जाएगा तो ये स्वयं ही मुड़ जाएगा। डाइवर्शन, दिशा बदल गई, सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ अनुकूल हो गया। संसार में माया है, रहेगी, माया के बिना कोई काम चलता नहीं। ब्रह्म जीव विच माया जैसे, यहां तो माया रहेगी, लेकिन माया में रहते हुए भी उसमें लिप्त ना हो पाए, उसके अंदर हम इंडल्स नहीं हो जाए, इसका तरीका है। मेरी भगवती पराम्बा माँ जगदम्बा
महामाया की शरणागत हो जा। माया तो आया है यानी कि गवर्नेंस है। बच्चा पूरा दिन आया के पास खेलता है, लेकिन शाम को जैसे ही उसकी माँ ऑफिस से आ जाती है तो फिर आया के पास नहीं रहता, आया तो छुट्टी करके चली जाती, फिर वो माँ की गोदी में आ जाता है। हमारी माँ जगदम्बा महामाया है। जब माया आपको बहुत पकड़े, बहुत जकड़े, तो उसको छोड़ने का नहीं, उसको त्यागने का नहीं, मां को पकड़ने का प्रयास कर। जब आप इसकी पकड़ेंगे तो स्वतः ही छूट जाए। एक हाथ में आपने कोई वस्तु पहले से पकड़ी है और दूसरी को पकड़ना चाहते हैं तो करना क्या पड़ेगा? जैसे ही दूसरी को पकड़ने लगे वो अपने आप छूट गई, उसको छोड़ने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा। माया तो कुछ है ही नहीं, माया अजम्पशन है बस, ये केवल एक भ्रम है। माया भ्रम में डलती है, एक आवरण है। अब छोटा बच्चा है, देखो आदगुरु यही तो बता रहे हैं कि मां मैं तेरा छोटा सा आबोध बालक हूं। विधेयाख्या तदापि तुम से हम जननी सकलो धारणी शिव। छोटे बालक को माया पकड़ती नहीं, जकड़ती नहीं। जिसने भी को बुलाया, जिसने गोदी में लिया, वो उससे हो गया और जितनी देर उसके साथ रहा उसके बाद उसको भूल भी गया। संसार के प्रलोभन उसको आकर्षित नहीं। मां की शरणागत हो जाओ। मां तो उद्धार करने के लिए तत्पर बैठे। नवरात्रि ही मां की आराधना करने ही साधना करने। कैसे करने हैं? मां के निकट जाना है। पिते महाराज मंदिर बड़ा दूर है, घर का काम है, कैसे जाएं? कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। माँ के निकट जाने का मतलब माँ को निकट लाना है, अपने पास लाना है। जैसे जैसे माँ निकट आती जाएगी संसार दूर जाता है। घर घर नवरात्रि में माँ को बुलाते हैं, ज्योति जगाते हैं, जो लोग जो बेचते हैं शाखा लगाते हैं, शाखा लगाते हैं, भजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं। आदिगुरु कहते मां मैं तो भूखा भी नहीं रह सकता, भूखा रहने की आवश्यकता भी नहीं है। भूखे भजन ना होए गपाला, भूखे भजन नहीं होता है। और भगवती तो सबके अंदर विराजमान है, हम भूखे रहेंगे तो मां को नहीं भूखा रखेंगे। ईश्वरी सर्वभूतानां तामि हो वह श्री। भूखे रहने का मतलब भगवान को भी भूखा रहना, अनशन नहीं है। रख लिया व्रत और लिस्ट बनाने लगे नवरात्रि से पहले, ये भी लाना, ये भी लाना, ये भी लाना, ये भी लाना, ये भी बनाना, ये भी खाना, इस दिन का मीनू तैयार हो गया 9 दिन का। ये व्रत थोड़ी हुआ। भूखे सेवा करने से भी भजन में मन नहीं लगेगा। निराहारो यताहारो तर्मनस्को समाहितो। जैसे रह पाए आप भूखे रह पाए, उपवास कर पाए। उपवास कहा गया, उपवास का अर्थ है निकट रहना, पास रहना। प्रयास करो हम मां के जितने निकट रह पाए, जितने निकट अनेक प्रकार की वस्तुओं के प्रलोभन में मत पड़ो।
शक्त नहीं शक्त बनना है। और शक्त कैसे बनेंगे? जब मां से प्रेम हो जाएगा, उसकी शक्ति हमारे बीच में प्रसारित हो जाएगी। करवा चौथ का व्रत करते हैं, रखा है व्रत, और दिन भर में भाव ये है, बार बार स्वयं भी स्मरण करते हैं और पति देव को भी और सास को भी स्मरण कराते हैं कि मैंने आज व्रत रखा हुआ है, मैं दिन भर भूखी रही। बार बार घड़ी देखते हैं, चंद्रोदय का समय क्या है, सायंकाल बार बार आकाश की ओर देखते हैं। व्रत करना एहसान करना नहीं है, उपवास करना तो समर्पित होना है, आनंद के लिए है। यंत्रवत मत करो, मशीन की तरह केवल क्रिया मात्र करो, जितना भी कर सको उसको प्रसन्नता से करो, उसका आनंद लो, स्वयं भी लो। जब आप स्वयं आनंदित होंगे तो मां भगवती भी आनंदित हो जाएगी। दूसरों से तुलना मत करो कि वो ये करता है वो ये करता है, तुलना से ही द्वेष पैदा हो जाता है। मेरा महल उसकी झोंपड़ी, मैं झोपड़ी में हूं और उसका इतना बड़ा महल है। अरे सोने के बाद दोनों एकदम एक जैसे हैं, एकदम बराबर हैं। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। नींद आई नहीं सोए नहीं, उसके बाद महल है या झोपड़ी है कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। महाराज हमको एक कहानी याद आ रही है, कथा याद आ रही है, स्मरण आ रहा। रात्रि प्रारंभ होने वाली है और महाराज हमको जम्मू वापिस पहुंचना है। स्टेशन पर पहुंचे और प्लेटफार्म की दशा देखी तो महाराज एक के ऊपर एक आदमी चढ़ा। आज इतनी भीड़ क्यों? पता लगा कि कृषि बिल के विरोध में किसानों ने पटरियों पर धरना दिया है और कोई ट्रेन आई नहीं। पता नहीं कब आएगी कब पहुंचेगी, सब लोग परेशान हुए हो। वेटिंग रूम भी खचाखच भरा हुआ। एक परिचित व्यक्ति वहां मिले तो हमने कहा ऐसा है भाई, स्टेशन के सामने ही मां भगवती का सुंदर मंदिर है, यहां तो कहीं खड़े होने की भी जगह नहीं, मैं वहां जाता हूं और जैसे ही कोई सूचना प्रसारित हो आप मुझे बता देना और मैं तुरंत वहां से यहां पहुंच जाऊंगा, दूर तो है ना। अब उन्होंने महाराज हामी भरी और मैं वहां से निकला और सामने मंदिर के अंदर गया तो महाराज मंदिर लगभग बंद होने वाला था, पुजारी द्वार बंद कर रहे थे। आइए स्वामी जी कैसे आए, हमने अपनी दुविधा बताई तो कहने लगे स्वामी जी कमरा वगैरह खोल देते। हमने कहा कमरा क्या खोलोगे, पता नहीं किस समय ट्रेन आ जाए और मुझे तो जाना है तो यहीं बैठता हूं थोड़ी देर के लिए, और जैसे ही सूचना आएगी चले जाएंगे। महाराज मां भगवती की उस पावन मूर्ति का दर्शन करते करते पुजारी जी चले गए और मैं वहां फर्श पर बैठा हुआ मां की इतनी सुंदर मन लुभावनी मूर्ति, इतना आनंद आ रहा देख देख के। घंटा गुजर गया, दो घंटे गुजर गए, कोई सूचना नहीं आई। रात बीतती जाती, हमने कहा पता नहीं
तब तीन आएगी नहीं आएगी, थोड़ी थोड़ी झपकी आने लगी, नींद आने लगी। और वहां जैसे ही नींद ने बहुत घेरा डाला, प्रकोप हुआ, तो मां भगवती के उस सुंदर रूप को निहारते निहारते उन्हीं में ध्यान लगाए हुए उसी फर्श के ऊपर में लेट गए। संगमरमर का फर्श था बड़ा सुंदर, ना कोई बिछोना, ना कोई तकिया, ना कोई गद्दा। और महाराज मैं तो आपसे बिल्कुल सत्य बात ये बता रहा हूं, जीवन में पहली बार जो आनंद मैंने वहां लिया उस नींद का, जो सुख मुझे मिला, शायद वो बढ़िया से बढ़िया अच्छे अच्छे घरों में गया हूं, बाहर भ्रमण के समय बड़े अच्छे अच्छे रिसोर्ट्स में कई बार रुकना पड़ा, सब सुविधाएं होते हुए भी वो आनंद नहीं आया जो मुझे वहां आया। अंदर मां बाहर में वो सिंहासन पर विराजमान और मैं उसके चरणों में लेटा हुआ, मुझे अनुभूति हो गई मिलता है सच्चा सुख केवल मेरी मात तुम्हारे चरणों में। जो आनंद जो सुख वहां है ही मां, नहीं तो बस इतनी एक ही बात समझ पाया हूं, पुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। मां आपके चरणों में जो आनंद है जो सुख है तो कहीं नहीं। अति पावन तुम्हारो नाम, जय माता दी जय माता नी, अति पावन तुम्हारो नाम, जय माता दी जय माता दी। माँ के चरणों में मिले विश्राम, जय माता दी जय माता दी। मीठा मीठा है तिहारो नाम, जय माता दी जय माता दी। मीठा मीठा है तिहारो नाम, जय माता दी जय माता दी। मधुर मधुर पावन पावन नाम, जय माता दी। अति पावन है तिहारो नाम, जय माता दी जय माता दी। सुख सागर है तिहारो नाम, जय माता दी जय माता दी। सुख सागर है तिहारो नाम, जय माता दी जय माता की। सुंदर सुंदर है प्यारो नाम, जय माता दी जय माता दी। अति पावन तुम्हारो नाम, जय माता दी जय माता दी। थोड़ा आनंद लेना सीखो, थोड़ा हंसना सीखो। रोते रोते पैदा होते हैं, रोते रोते जीते हैं और रोते रोते ही मरते हैं, अफसोस के साथ मर जाते हैं। युद्ध में भी मुस्कुराना सीखो, युद्ध विनाशकारी है, अच्छा नहीं है, लेकिन लोग युद्ध में भी कमाई कर रहे थे। कोरोना में सबका कारोबार बंद हो गया, सबको कुछ नहीं मिला, लेकिन लोगों ने कोरोना में भी कमाया, लोगों ने कोरोना से भी कमा लिया, कोरोना में भी कमाई की, मास्क वालों ने की, सैनिटाइजर वालों ने की,
और अंबानी ने तो महाराज दुनिया भर की कंपनियां को अपने समूह में शामिल कर लिया। युद्ध में भी जो शस्त्र बेचते हैं उनकी तो कमाई हो रही है, खाने में थोड़ा नमक अधिक हो जाए तो भी प्रशंसा करो उसकी। दूसरे का अनुकरण करना मत प्रयास करो, दूसरा बनना मत प्रयास करो, आप जो हो वही रहो। हम या तो विवेकानंद से आगे बन सकते हैं, उससे बढ़िया बन सकते हैं, या उसके पीछे रह सकते हैं, उससे घटिया बन सकते हैं, लेकिन दूसरा विवेकानंद कोई नहीं बन सकता। उस जैसा नहीं, उससे से बेहतर बनने का प्रयास करो, अगर आप उससे कम हो तो। अपने लिए जीवन में सब कुछ किया, अपने करते आ रहे करते रहेंगे। ये बड़ी सुंदर अश्विन नवरात्रि आ रही है, इसमें अपने लिए नहीं मां के लिए। मुझे पता नहीं मुझे क्या चाहिए, आई डोंट नो, वो मांगता जाता हूं जिसकी कोई उपयोगिता नहीं, और मांग मांग के थक गया, मांग कभी खत्म नहीं होती। मुझे क्या चाहिए वो नहीं, जो नहीं चाहिए आदिगुरु शंकराचार्य वो बता रहे। मेरे पास क्या है ये नहीं बता रहे, क्या नहीं है ये बता रहे। भरत ने भी यही कहा, यही मांगा, धर्म न अर्थ न काम रुचि, धर्म न अर्थ न काम रुचि, और गति न चाहूं निर्माण, जन्म जन्म भक्ति राम पद यही वरदान। ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, और मोक्ष भी नहीं चाहिए, निर्वाण भी नहीं चाहता, गति न चाहूं निर्वाण। तो फिर चाहिए क्या, कि मुझे तो भगवती केवल आपकी प्रीत चाहिए। मैंने स्वीकार कर लिया, मैंने मान लिया मैं कैसा हूं मां, लेकिन ये भी जान लिया कि आप कैसे हैं, मैं तो कपुत्र हूं, कपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवती। ही मां, मेरे अंदर तो कोई पात्रता भी नहीं, सकलो धारणेश, आपको ही पहले मुझे पात्र बनाना है, इसके लायक बनाना है, इसके कैपेबल बनाना है। मां, अगर पात्र में थोड़ी सी भी खटाई रह जाए तो बढ़िया से बढ़िया दूध भी, बढ़िया से बढ़िया घी भी फिर खराब हो जाता है। पूरी का पूरा आमूल चूल परिवर्तन। कलाकार अलग अलग नाटकों में, अलग अलग फिल्मों में अलग अलग रूप धारण करते हैं, उस समय वो बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, उनमें परिवर्तन हो जाता है, उनके क्रिया में, उनके बोलने के ढंग में, उनकी वेशभूषा में। उनके स्तर में, लेकिन मां वो क्षणिक परिवर्तन है, उसके बाद वो पुनः उसी रूप में आ जाते हैं, फिर वही के वही बन जाते हैं। मेरा आपकी शरण में आने का,
आज आपसे अनुनय करने का मकसद यही है कि आमूल चूल परिवर्तन, एक नई शेप, एक ऐसा प्रारूप जो आपको सबसे ज्यादा भाता हो, वो प्रारूप, वो स्ट्रक्चर जो आपके सबसे निकट रहे। हाँ, मैं वो आईना बनना चाहता हूं जिसमें केवल आपका ही प्रतिबिंब देखे, दूसरा कुछ दिखे ही नहीं। कोई भी सामने खड़ा आ जाए आके, उसकी नहीं, मुझे उसमें आपकी छवि दिखे। मन मंदिर में मेरे बस तू ही बस जाए, जिसको भी मैं देखूं तेरा रूप नजर आए। हर एक के अंदर तेरी छवि, तेरा स्वरूप, तेरी ही आकृति मुझे नजर आए। ऐसा बदल दे मारा मुझे, ऐसा परिवर्तन कर दे मेरे अंदर। जिन लो सक्री धारणे शिवे, एक नया जीवन मुझे वो सितार बना दे जिसकी तारों से केवल आपकी ध्वनि झंकृत हो जाए। मां मुझे वो बांसुरी बना दे कि जो केवल तेरे होठों से ही भगवान कृष्ण की तरह लगी रहे। महा और कुछ नहीं तो मुझे अपने चरणों की किसी उंगली का बिछुआ ही बना ले। मैं अब आपके साथ चिपका रहना चाहता हूं, आपके साथ जुड़ा रहना चाहता हूं। और मां मैंने तो अपनी पात्रता बता दी कि मेरे अंदर तो कोई ऐसा लक्षण नहीं है, कोई गुण नहीं है, लेकिन मां तो सर्व गुण संपन्न है। तेरे पास किस वस्तु की कमी है? ये पुत्रो जायत वचिदपि कुमाता न भवती, ये पुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति, कुमाता न भवति।